ओम शांति। आज बाबा के 17 अप्रैल के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने इसमें दो बातें पक्की कराई हैं। एक तो हमें पढ़ाने वाला कौन है, दूसरा अभी ये समय कौन सा चल रहा है। वर्तमान में इन दो बातों को पक्का करना अति आवश्यक है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबके आगे अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और आ रही हैं, पर एक में निश्चय, मेरा तो एक शिव बाबा बस। कहीं भी बुद्धि इधर उधर ना भटके, किसी देहधारी में ना जाए। जैसे साकार में बाबा थे ना, यज्ञ की स्थापना में समस्याएं तो बहुत आई। दादियां सुनाया करती थी क्या क्या हुआ, स्थापना में क्या हुआ, फिर बेगरी पार्ट में क्या हुआ। लेकिन बाबा को उन्होंने किस रूप में देखा, बाबा एकदम बस शिव बाबा की याद में लीन होकर बैठे। हम बाबा के बच्चों को भी क्या भी हो जाए, बाबा की याद में लीन रहे। तो आज के मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए, हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। किसके रहे हो? माया के। इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना। इसको अंडरलाइन करें। बस निरंतर बाबा 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 बाबा, बाबा मेरा साथी है। आज बाबा ने कहा कि अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाती है। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया। बाबा कहते, तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है? अमर कथा, जो कथा कहानी सुनने से हम अमर पद को प्राप्त करते हैं। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। आत्मा शरीर तो छोड़ेगी, मगर समय पर अकाल्य मृत्यु नहीं होगा। आजकल की दुनिया में अकाल्य मृत्यु है, इसलिए इसको अमरपुरी नहीं कह सकते। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, इसको अंडरलाइन कीजिए और चेक करें। हम सारा दिन सारा समय खुश रहते हैं? आजकल के समय में तो खुशी रहना बहुत मुश्किल है।
ऊपर से चाहे मुस्कुराए, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। सन्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाप कहते हैं, तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता। अब बात ये नोट कर खुशी की, कोई कहता है किसी को स्वीट? अगर कोई कह भी देगा भूल से, ओ यू आर वेरी स्वीट, फिर दूसरे ही पल देखो मूड बिगड़ा नहीं और फिर स्वीट से सावर हुआ नहीं। लेकिन बाबा तो हमेशा ही कहते, तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, देखो कैसे कहता है भगवान, कैसे बोलता है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत शाहूकार भी नहीं, साधारण। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। कौन सा निश्चय? ये हमारा बाबा है और उसके साथ हम आत्मा हैं। करो ये अभ्यास। ज्योति बिंदु शिव बाबा हमारा बाबा है, मेरा बाबा है और मैं आत्मा, आत्मा। अनेक बार दिन में ये अभ्यास एक एक मिनट कीजिए। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, ये है झूठ खंड और वो है सच खंड। सत्युग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। पहले तो हम कहते थे कलयुग चल रहा है, अब तो क्या कहेंगे, चल रहा है। अब तो कलयुग खत्म होने वाला है, अब ये वो परिवर्तन का समय तेजी से चल रहा है, बदल रहा है समय। बाबा ने कहा कि मैं जो पढ़ाता हूँ, ये जो ज्ञान हम सुनते हैं पढ़ाई पढ़ते हैं, कैसी पढ़ाई है? ये है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे, हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पढ़ते हैं, चटक पढ़ते हैं माना कईयों को तो बहुत लगन लग जाती है। ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। भल फारगति दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारगति दी, ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। करो पक्का, शिव बाबा मीठे बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। क्या विशेषता है इस बाप की? ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है, अंदर में वो प्रभु प्रेम उमड़ना चाहिए। कौन है मेरा बाबा, कैसा बाबा है? सदगति करने वाला है। शिव बाबा चैतन्य बीज रूप है, क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सत्युग कब था, फिर कहाँ गया? अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो। ये हम सभी आत्माओं का बाप है। देखो बाबा कितना बार बार पक्का करा रहे, हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको इनमें प्रवेश, इनमें माना ब्रह्मा में प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं, बच्चे
गफलत नहीं करना। कितना प्यार से कहते हैं बच्चे, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। सुना, हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन है माया, पांच विकार। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है माया ने, ये अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या, कितना फर्क है शिव और शंकर में, कितना अंतर है। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते। पार्ट ही दोनों का अलग अलग है, शिव कल्याणकारी, शंकर विनाशकारी, तो दोनों एक कैसे होंगे, एक ज्योति स्वरूप, एक आकारी रूप वाले, एक साधना करने वाला और एक जिसकी साधना हो रही है। कहते हैं ना, पार्वती ने शंकर जी से पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो शंकर ने कहा, मैं उस अविनाशी का ध्यान कर। तो साधक कौन, जो साधना करे। तो शंकर ने भी साधना की शिव की, तो दोनों अलग हुए ना, शिव अलग शंकर अलग। बच्चे समझते हैं, इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा, बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी ही जाएंगे। बच्चे नंबर वार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापिस जाएंगे। माला नंबर वन तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। बाप की पढ़ाई बिगर ऊंच मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्य नारायण की सुनते हैं, गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रौरव नरक है। आज की दुनिया क्या है आप देखो तो सही, केवल पॉल्यूशन की बात नहीं है, व्यवहार देखो, वातावरण देखो, वाइब्रेशंस देखो। खास भारत को कहेंगे, बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है, वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं, बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है, अब मैं वृक्षपति आया हूँ, किस लिए? भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सत्युग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये हैं बेहद की बातें। बाबा ने आज समझाया कि ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे, ज्ञान घी भी कहा गया है। तो दीपक कौन सा है? ये आत्मा रूपी दीपक। आत्मा रूपी दीपक में भगवान आकर ज्ञान का घी डालते हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जलती है।
ये आत्मा ज्योति है। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, फिर क्या होगा, तूफान आएगा तो दीवे को बुझा देंगे, क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है, नंबर वार सब परवाने हैं। ये भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, ये है ऊंची पढ़ाई। देह अभिमान छोड़ना किसको कहते हैं? मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये तो पक्का किया। अभी देह अभिमान छूटे, देह अभिमान छूटे माना देह, देह से संबंधित बातें, रिश्ते नाते, आकर्षण, कोई भी मुझे आकर्षित न करे। मैं एक आत्म स्वरूप में रहूं, बस मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं। कर्म करते हुए भी मैं आत्मा आत्मा को देख रही, मैं आत्मा परम धाम में रहकर कर्म कर रही। बुद्धि से रहना है ना, कर्म हाथ से करना है, वहां से हम ऑर्डर करें काम। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, ये है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है। कौन सी सब्जेक्ट सहज है? योग की। परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। बाबा बताते हैं बच्चों का क्या हाल है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, योग में कैसे बैठे, ऐसे आंख खोल के बैठो, फील करो मैं एकदम बाबा के सामने, बाबा मेरे सामने। मैं आत्मा शिव बाबा को, ज्योति बिंदु को देख रही, अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। साथ ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे, उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाबा को थैंक्स देंगे? बाबा कहते हैं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूं। देखो हम तो किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी करते हैं ना, अगर कोई दो बार हमें थैंक्स ना कहे, देखो मैंने इसका ये काम किया, इसने थैंक यू भी नहीं कहा, मैंने कुछ मांगा थोड़ी था, ये तो जरा भी इसको ऑब्लिगेशंस लगती नहीं है। लेकिन भगवान नहीं, भगवान क्या कहता है, कहता नहीं, ये मेरा तो कर्तव्य है पढ़ाना, पावन बनाना, आत्माओं को शुद्ध करना, कितना निर्माण है ना। ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो। सुना भक्ति में क्या करते थे, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, मकान बन जाए, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, सवा मणि करूंगा, ये कहते थे। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, बाबा का ज्ञान औरों को भी सुनाते रहो, खुद भी मौज में रहो, औरों को भी मौज में रखो। अच्छा, वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सुना कैसे बनेंगे सहज योगी? सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी
उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा, अब सुनो निशानी, बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा। आप देखो लोग कैसे सोते हैं, आधी रात तो करवटें ही बदलते रहते हैं, कहते नींद ही नहीं आई, सोए, घड़ी देखते रहे, घंटा बीता, दो घंटे बीते। बाबा के बच्चों का क्या हाल है, हमारी नींद कैसी होनी चाहिए, बस बिस्तर पर गए, सिर रखा, नींद आ गई। ये तब होगा जब हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ होगा, मन बुद्धि क्लियर होगा। अपने मन बुद्धि को साफ रखो, सोने से पहले ही 15-20 मिनट देखो। अभी कोई भी दिन की बात अच्छी या बुरी अगर मन में है, उसको एकदम क्लीन करो, बस मैं बाबा का हूँ, बाबा का हूँ, बाबा का हूँ, ये कहते कहते ही अंदर मन ही मन अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं बाबा का, बाबा की गोद में, बस लेटे और नींद आई। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। सुना, फिर से सुनिए, उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी नहीं करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेते हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, बाबा को याद कैसे करें, देखो बाबा क्या कहता है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू, हम बाबा की याद, आजकल तो बैठते हैं ना तो याद में, योग में भी बैठते हैं तो टेंशन हो जाता है, बस अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते हैं, बाबा बाबा में। आप बाबा को ना प्यार से याद करो, शिव बाबा मेरा प्यारा बाबा मीठा, ऐसा प्यार से याद करें जो हमारे नैन गीले हो जाए। तो बाबा ने कहा, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते। ओम शांति।